Again, very welcome to all of you in our online Pathshala. And in this lecture, we are talking about ray optics. In सारे video lecture में हम ray optics, wave optics, particle nature of light, photoelectric effect, सारे concept को, dual nature of light, quantum mechanics, सारे concept को हम एक एक करके देखने वाले हैं. तो आपको एक भी video miss नहीं करना है. और अगर आपको video पसंद आता है तो अपने friends के साथ में आपको share करना है और subscribe करना है. तो लास्ट लेक्चर में हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट देखे. ओके, लास्ट लेक्चर में हमने देखा व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ रिफ्लेक्शन, व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर. ओके, ये सारे कॉन्सेप्ट हमने देखे. आज हम एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट और देख रहे हैं. ओके, वो क्या है ज़रा ध्यान से समझो. हम बात कर रहे हैं मिरर required टू सी कंप्लीट इमेज. बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, ध्यान से हमको समझना. अगर हमको हमारा कंप्लीट लेंथ देखना है, ठीक है, टू सी कंप्लीट इमेज, ओके, पूरा इमेज देखना है अगर, तो मिनिमम मिरर का लेंथ कितना होना चाहिए वो हम देख रहे हैं. जैसे कि ये कोई पर्सन है, ओके, और उस पर्सन की आईज यहाँ पर है, ये उसका हेड है, ये उसके फीट, ओके. तो इसको देखने के लिए एक मिरर का हम यूज़ कर रहे हैं, एक मिरर का यूज़ कर रहे हैं जो उसके सामने है. ये यहाँ पर एक मिरर, ठीक है, जो उसके सामने. अगर इस पर्सन का हाइट h है, पर्सन का हाइट h, ठीक है, h, तो इस मिरर का लेंथ कितना होना चाहिए ताकि ये पर्सन इसका खुद का कंप्लीट इमेज देख सके. ओके, ज़रा ध्यान से समझना, इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट. तो कंप्लीट इमेज देखने के लिए मिनिमम लेंथ कितना होना चाहिए, ठीक है. इस h को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, x प्लस y, है ना. ये x ऊपर वाला है h टू e और y नीचे वाला e टू f. ओके, अब क्या होगा अगर मिनिमम से मिनिमम क्रिटिकल कंडीशन क्या होगी. ये जो मिरर है ना, ये मिरर का रिफ्लेक्टिंग फेस है, इधर का फेस रिफ्लेक्टिंग है, इधर सिल्वरिंग है, ठीक है. अब अगर हमको h को देखना है तो मिनिमम से मिनिमम क्रिटिकल कंडीशन क्या होना चाहिए. रेज यहाँ h से स्टार्ट होगी आफ्टर द रिफ्लेक्शन बाय दिस पॉइंट ए. इस a से रिफ्लेक्शन के बाद i में जाना चाहिए, इसमें जाना चाहिए, i पर जाना चाहिए, तभी हम देख पाएंगे इस h को. और अगर इस f को देखना है तो यहाँ b से रिफ्लेक्शन होना चाहिए. ये मिनिमम से मिनिमम कंडीशन वाला केस बनाया है मैंने कि मिनिमम से मिनिमम कितना लेंथ चाहिए. तो b से रिफ्लेक्शन के बाद में i में जाना चाहिए, ठीक है. अब यहाँ पर मैं नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ, ये मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया, एक नॉर्मल और ये दो नॉर्मल. हमको पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है. यहाँ पर थोड़ा सा इस इमेज को हम सही कर लेते हैं. ओ, चलो थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं, थोड़ा इसको बढ़ा लेते हैं नीचे, या इस को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ठीक है, तो अच्छे से समझ में आएगा और एग्जैक्ट इक्वल एंगल बन जाएंगे. तो हमने यहाँ से F से स्टार्ट किया और जाना चाहिए वो E में. ओके, अब हम नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं, एक नॉर्मल ये रहा और दूसरा नॉर्मल ये रहा, ठीक है. हमको पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इस केस में ये है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों इक्वल होते हैं और ये 90-90 के हैं और बेस दोनों का कॉमन है, तो ये कॉन्जुरेंट एंगल हो गया, ऊपर वाला और नीचे वाला कॉन्जुरेंट एंगल हो गया. तो ये जो
लेंथ है जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ, ये नीचे वाले लेंथ के बराबर होगा। इसको मैं डैश से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ये लेंथ इस लेंथ के बराबर होगा, मतलब ये टोटल एक्स था तो ये एक्स बाई टू हो जाएगा और ये भी एक्स बाई टू हो जाएगा क्योंकि ये मिड पॉइंट होना चाहिए। सेम इज इट इज़, ये वाला लेंथ इस वाले लेंथ के बराबर होना चाहिए, ये वाई बाई टू और ये भी वाई बाई टू। ओके, यहाँ से अगर हम एक लेंथ और ड्रॉ करते हैं, ये लाइन एक और ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो ये जो लेंथ x बाई टू है ये भी कितना होगा x बाई टू, और ये लेंथ y बाई टू है तो ये भी कितना होगा y बाई टू। तो ये कंप्लीट लेंथ कितना होना चाहिए, x प्लस y बाई टू, और x प्लस y क्या था h, तो h बाई टू। ठीक है, तो यहाँ पर मिनिमम लेंथ कितना रिक्वायर्ड है, h बाई टू, हाफ ऑफ द हाइट ऑफ पर्सन, जो भी उसका हाइट होगा वो उसका हाफ हमको मिरर का लेंथ रिक्वायर्ड होगा उसका हाफ। ये आप घर पे भी प्रैक्टिकल परफॉर्म कर सकते हैं, आपकी हाइट मेज़र करो और सामने जो मिरर है उस पर उस हाइट के हाफ, ठीक है, उतना ही मिरर, बाकी आप पेपर उस पर लगा सकते हैं ताकि आप इमेज को कंप्लीट देख पाए, तो आपको पता चलेगा कि इट विल बी एच बाई टू। इट विल नॉट डिपेंड द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर, दोनों के डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगा, वो डिपेंड करेगा किस पे, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट पे, कितना उसका लेंथ उस पे डिपेंड करेगा, और इट इज़ इक्वल टू एच बाई टू। तो ये कॉन्सेप्ट हमको समझ में आया, मिनिमम लेंथ रिक्वायर्ड टू सी कंप्लीट इमेज इज एच बाई टू, इज द हाफ ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाफ ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, हाफ ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो ये वाला कॉन्सेप्ट हमको यहाँ पे समझ में आया।